हम क्यों। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर में, हम दिखेंगे नहीं आपको अच्छे से। कैसे हो आप सब, एक बार दोबारा आपका स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। सो गाइस आज मैं और मेरी बहन ननंद हम जा रहे हैं बाजार कुछ खाने के लिए। सो देखते हैं कि हम क्या खाते हैं आज, हम आपको करवाते हैं जम्मू के खाने की। व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने, चलो जा ही रहे हैं तो बना ही लेते हैं व्लॉग। सो दीदी हमारी पहले भी व्लॉग में काफी बार आ चुके हैं, तो मैं कहा चलो हम जा ही रहे हैं, देखते हैं अब हम क्या खाते हैं और क्या बनाएंगे। बोले आदत पड़ गई हुई है बनाएंगे। सो अभी हम चलते हैं, सो करते हैं हम जम्मू की सैर। सो चलिए गाइस चलते हैं हम बाजार, और आज के ब्लॉग में मैं और शिल्पी दीदी जा रहे हैं सिर्फ। तो चलिए चलो। सो इस टाइम दी अपने लिए ले रहे हैं स्लीपर, सो वो अभी पसंद करेंगे। तो ये अपनी चॉइस बता रहे हैं इस टाइम कि इन्हें किस तरह के स्लीपर्स चाहिए। सो देखते हैं कि इन्हें इनके पसंद के मिलते हैं। दी को इतनी आसानी से कुछ पसंद आने वाला तो है नहीं, ये मुझे पता लग गया अभी तक। सो ये अपनी चॉइस बता रहे हैं। सो आप ये देखिए पंजाबी जूती की कलेक्शन, पंजाबी जूती लवर्स, ये देखिए कितनी सारी कलेक्शन है यहाँ पे। तब मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन लगी मुझे आज, एक न्यू शॉप के बारे में भी पता चला। थैंक यू शिल्पी दी। सो मैं ट्राई कर रही हूँ, इसे काफ़ी अच्छी भी लग रही है और एकदम फिट भी है ये मुझे। मैं इधर से इनसे लेती हूँ, मुझे अगर हो ना ये बता देते हैं, अगर नहीं हो फिर भी बता देते हैं कितने दिन में आ जाएगी, उतने दिन में आ जाती है। सो फ्रेंड्स इस टाइम हम जा रहे हैं जम्मू की वन ऑफ द फेमस फूड रेस्टोरों, खजूरिया रेस्टोरों। सो मे बी आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को ये पता होगा। सो शिल्पी दी ने हमें कहा कि क्यों ना हम यहाँ चलें। सो आज चलते हैं यहाँ का टेस्ट करते हैं हम। वैसे तो ये काफ़ी फेमस है जम्मू का फूड मॉल। सो ये देखिए फ्रेंड्स खजूरिया फूड मॉल का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। सो ये देखिए ये बिल्कुल हमारे घर के पास ही है और काफ़ी फेमस है, टेस्ट भी यहाँ बहुत है। सो मैं काफ़ी बार आई हूँ लेकिन शिल्पी दी यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। दिल का ध्यान हमारी प्लेट हो रही है, आप क्या देख रहे मेन्यू कार्ड आ चुका है। सो अभी हम करते हैं डिसाइड कि हमें क्या लेना है। ऑलरेडी हमने आज बहुत कुछ खाया हुआ है तो कुछ ज़्यादा हम ऑर्डर नहीं करेंगे। सो अभी देखते हैं कि हम क्या ऑर्डर करते हैं। तो हमने चाप ऑर्डर की है और ये देखिए हमारी प्लेट हो रही है रेडी और हम बाहर से देख रहे हैं सारा। सो अभी हमारी चाप आ जाएगी। हमने एक प्लेट ही ऑर्डर की है और उसे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि हमने आज बहुत कुछ खाया हुआ है, जस्ट हम इंजॉय करने के लिए आए हैं। सो ये देखिए अभी हमारी चाप आ गई है। सो अभी हम करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे कि कैसा है।
एक प्लेट में चाय बहुत ज़्यादा है, एक के लिए खाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम डिवाइड करके खाएंगे इसे। ये मैं दी के लिए थोड़ा डाल रही हूँ और ये देखिए मैंने कर दी है डिवाइड। अब हम करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे। ब्लॉग के साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, जो हमने ऑर्डर किया था उसमें तो शिल्पी दी ने कर दिया पास और मेरे तरफ से पास है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हमें अच्छा लगा। बिल्कुल सिंपल है, लाइट है, बिल्कुल ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल मेरे मतलब की है। सो मुझे तो अच्छा लगा। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या इस वीडियो को जो देख रहे हैं और वो जो जम्मू के हैं, यहाँ तो ऑफकोर्स गए होंगे, जो गए हैं प्लीज़ कॉमेंट में नीचे ज़रूर बताइए। सो अब हमारी चाप हो गई है फिनिश, अब हम चलते हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। ओके गाइस, अब हम चलते हैं। चलो हम गए। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर में, हम दिखेंगे नहीं आपको अच्छे से। खा लिया सब्जी भी ले ली अगली रेसिपी के लिए। आज शिल्पी दीदी आए हैं तो हमें रेसिपी बना के बताएंगे। इधर बहुत अंधेरा, हम दिखेंगे नहीं आपको। ओके गाइस, बाय, जल्दी मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ। आपको दिख तो नहीं रहे हैं हम, थोड़ी देर वेट करो, हम रात को आपके पास दोबारा आने वाले हैं। ओके गाइस, बाय, जल्दी मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ। सी यू। कितनी रोशनी होगी, कितनी क्लियर होगी, हम दोबारा अंधेरा आ जाएगा। आगे नहीं आता अंधेरा, आगे ठीक है।